उनके बेटे ने हाई स्कूल पास किया है। बड़े गौरव की बात है। वैसे हमारे समाज में मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई बच्चा हाई स्कूल क्या आठवीं पास नहीं हुआ। आज रामजी राव के पुत्र ने हाई स्कूल पास किया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो। और उनसे भी ज्यादा बधाई का पात्र उनका वो पुत्र है जिसने हाई स्कूल पास किया है। ये बधाई हम उनके घर चलकर देंगे। चलिए चलते हैं। और मुबारक हो सबको समय सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समय सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना अरे भैया रामजी राव कौन आ गया? अरे बाहर निकल के तो देखो भाई। अरे मित्र तुम? अरे मैं आना हुआ। और मित्र कैसे आना हुआ? मित्र हमने सुना है तुम्हारे बेटे ने हाई स्कूल पास किया है। हाँ मित्र मेरे बेटे ने हाई स्कूल पास किया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, हृदय गदगद हो गया मित्र। बस इसी वजह से चले आए कि बधाई घर पर देकर आते हैं भैया। हाँ मित्र बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपके उस पुत्र को जिसने हाई स्कूल की शिक्षा पास की है। हंसी का माहौल नहीं है हमारे समाज में, आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण की हो। अरे मित्र बोलो मित्र, इस खुशी के मौके पर हाँ एक खुशी भरी सौगात और देना चाहता हूँ। कहो मित्र, अगर आपकी आज्ञा हो। बिल्कुल मित्र, मेरी तरफ से पूरी आज्ञा है। सुनो बोलो। देखिए भैया, आज रामजी राव से मिलने के लिए जो भिक्खु बालंकर हैं, आज वो चल देते हैं। और एक समाज सुधारक भी हैं, जो भिक्खु बालंकर हैं उस समाज सुधारक भी हैं, आज रामजी राव से एक बात कहने लगे। सुनो बालंकर एक भिक्खु हैं, पालंकर एक भिक्खु हैं, और राम जी राव से मिलवे आए। समाज सुधारक हैं भैया, और भीम से मिलने आए हैं। We'll be right back.
भाई मेरा भाई। और राम जी राव प्रेम लगे और प्रेम से सुन लो ही भाई। आज भुक्कु वालंकर कहने लगे अरे मित्र राम जी राव नन्नी बेटी रमा हमारी सुनियो तुम सब चितलाई और सीलों का पालन करती है और सरल स्वभाव उसका भाई। विभाव भीम का कर लीजो हम तुम रहे समझाई। भीम विभाव कर लीजो राम जी राव समझाई। भैया बोलो भैया हम ये कहना चाहते हैं कहो आपके बेटे ने हाई स्कूल पास किया है। हाँ भैया बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। एक मेरी बेटी है भतीजी है हमारी तो अगर आप अपने बेटे की शादी करना चाहें तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। अरे अरे मित्र बालंकर भिक्कू जी बोलो तुमने एक ऐसी बात करने लगे हो कि शादी अपने बेटा की कर लो मित्र से रिश्तेदारी में बदलना चाहते हो। तो हमारे बेटे की पढ़ने की इच्छा है हमारे बेटे की पढ़ने की इच्छा है और तुम कहते हो अपने बेटा की सगाई कर लो अपने बेटे की शादी कर लो। ऐसा राम जी ऐसा भिक्खू बालंकर जी ऐसा कैसे हो सकता है। सुनो हाँ पढ़ाई शादी ये तो सांसारिक कार्यक्रम है। अगर शादी नहीं करोगे तो संसार कैसे चलेगा। सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब है। बालंकर जी बात तो तुम्हारी सही है लेकिन हमारा बालक होनहार है हमारा बालक पढ़ना चाहता है। अगर हमारा बालक अगर शादी में लग जाएगा तो हमारा बेटा आगे नहीं पढ़ पाएगा। भैया बोलो भैया बालक तुम्हारा होनहार है। हाँ इसलिए तो हम अपनी बेटी तुम्हें दे रहे हैं। दूसरी चीज अगर बेटा पढ़ने वाला है तो शादी हो जाए उससे क्या मतलब है वो तो पढ़ता रहेगा। अरे तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी शादी होने के बाद नौकरियां लग गई हैं है? और लड़का ही अगर लबर चचोरा हो मेहर चेहरा तो घुसोरे भीतर हो गई पढ़ाई गलत कह रहे हैं। भैया बोलो भैया अरे बेटी हमारी ऐसी है हाँ इतनी तो नेकी है अच्छा औका देखाओ नाक देख के सुआ उड़ जाए। अच्छा हाँ इतनी गोरी है भैंस के सो दूध। अच्छा तुम एक दाएं लड़का को बुलाओ और तुम हाँ करो बस लड़का का तुमसे थोड़ा कहा नहीं है कि बात बालंकर जी बात तुम्हारी हमें स्वीकार करते हैं लेकिन अपने अपने में पुत्र से पूछ लूं अगर हमारा पुत्र सहमत हो गया तो हम शादी की हामी भर लेंगे और जब तक हमारा बेटा नहीं कहेगा बालंकर जी तब तक मैं हामी नहीं भर सकता हूँ। कैसी बात करते यार देखो लड़का को बाप तो कहे मैं ब्याह करो। अरे नहीं
बाप को खुद सोचो चाहिए, लड़का जवान होएगा वो ब्याह कर रहा हो। वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन अपने पुत्र से मैं पूछूंगा जरूर, अगर हमारा पुत्र कह देगा तो मैं सहमत हो जाऊंगा। सुनो मेरी बात सुनो, तुम लड़का को हमारे ढंगा बुलाओ। हाँ। लड़का तो लड़का को बाप ले राजी हो जाए तो मानियो बुलाओ। ठीक है वालमकर जी, अभी बुलाते हैं। अरे हाँ, हम ऐसे इंजेक्शन फिट करते हैं। अरे बेटा भीमराव। कहिए पिताजी। देखिए बेटा, ये हमारे मित्र बड़ी दूर से आए हुए हैं और ये तुम्हारा इतनी दूर से रिश्ता लेकर के आए हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते बेटा भीमराव। और चाचा बढ़िया? बेटा अपने तो चकाचक हैं, अपने बताओ। सब बढ़िया है, आप सबकी कृपा है चाचा। बेटा हमने सुना तुमने हाई स्कूल पास किया। सही सुना है चाचा जी। हम भागते भागते चले आए। पिताजी बोलिए पुत्र, आपने किस लिए हमें बुलाया? पुत्र इन्होंने कहा कि मेरी एक भतीजी है जिसकी शादी ये तुमसे करना चाहते हैं। इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा है, कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र होनहार है, इसलिए मैं अपनी भतीजी की शादी आपके पुत्र से करना चाहता हूँ और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। पिताजी बोलिए पुत्र। हमें पढ़ाई करना है, अभी शादी नहीं करना है, और हमें इस देश अपने समाज का नव निर्माण करना है पिताजी, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। भैया बोलो भैया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ भैया सुन लिए आपने। बाप का बहू लड़का है तो खुल के बात कर ही नहीं सकता। तुम पिछाऊ जाओ लला, ये ना। कहिए चाचा जी। ये ना पढ़ाई अकेली करो चाहा था। हाँ चाचा। ब्याह नहीं करे? अरे शादी बाद में देखी जाएगी। अरे वंश नहीं बढ़ाने कहांगे? अरे बढ़ाने है तो अभी हमें शादी नहीं करनी, अभी हमें पढ़ना है और हम अपनी समाज का एक नव निर्माण करना है, इसलिए तुम नव निर्माण करो चाहे दस निर्माण करो, ब्याह तो निर्माण से का मतलब है यार। अरे चाचा सुनो, चाचा सुनो सुना, अगर शादी हम कर लेंगे तो हमारी पढ़ाई में बाधा होगी और हो सकता है हमारी पढ़ाई रुक भी जाए, इसलिए इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं। सुनो बोलो। मोड़ी फोटो दिखाएं? अरे फोटो से हमें क्या लेना देना है? देखो ऐसी नीकी है तुम्हारी कसम, तुम्हारी लार। अरे चाचा देखता ही देखा था। आपको इस बातों से क्या मिलता है? और का पेट में तो लड़ुआ फूट रहे है, मन ऊपर कह रहे हैं। सुनो बोलो। इतनी सीधी है मोड़ी कि ये आस पास हलवाई को जलेबी नहीं बना सकते। अरे तो हमें सीधे और टेढ़े से क्या लेना देना है? मतलब बा कब हूँ तुम्हारे काम में बाधा नहीं डाले। बाधा नहीं डाले कब हूँ तुम? हाँ करो अकेली। अरे हाँ क्या करे चाचा, कैसो लड़का है यार बताओ, बाप की बात नहीं मानत, कही हम नव निर्माण करें का नव निर्माण? अरे यार चाचा क्या पिताजी ने मेरे हाँ कर दी है? हाँ कर दे, बयाना ले लो। ए? पिताजी ने बयाना भी ले लिया? बयाना ले लो, कहीं तुम समझाए लियो तो बयाना पहले पकड़ाए दे। ऐसा है चाचा बता, यदि हमारी पढ़ाई में आपकी बिटिया बाधा ना बने। अरे ठीक है, स्टाम्प पे लिख के दे नहीं बनी है, जब हम कह रहे हैं हमने पालो, हम जानत कैसी मोड़ी हमारी है। तो ठीक है चाचा, मैं आपकी अपने पिता की बात को रखे हैं और शादी ठीक हम कर लेंगे। आई गई लाइन। देखिए बंधुओं, लड़का पटेबो तो हम तो सीखो। देखिए जो भिक्कू बालंकर है इनकी भतीजी है और इनकी भतीजी का नाम है नन्नी रामा, रमा नाम है, और रमा के पिताजी का नाम था धोते बालंकर और इनकी मैया का नाम था रुक्मी, और ये
ये इनके पिताजी का नाम था धोते बालनकर और इनकी मैया का नाम था रुक्मी। और ये बचपन से छोड़ करके वो दुनिया से सदा सदा के लिए जा चुके थे रुक्मी और इनके पिता धोते बालनकर। और इनके जो चाचा थे भिक्खू बालनकर और इनके मामा जो गोविंद पुरकर थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने आप में ले ली थी कि इस बेटी का लालन पालन मैं करूंगा आज से, क्योंकि हमारी जो धोते बालनकर हैं और रुक्मी हैं वो खत्म हो चुके थे। सारी जिम्मेदारी भिक्खू बालनकर के पास आ गई थी कि इस बेटी का लालन पालन मैं करूंगा और इस बेटी की शादी मैं करूंगा। आज उम्र कितनी है, आज उम्र कितनी है सुनो, राम बाबू माचा उनकी तरफ से ये 10 रुपए आते हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, मंगल कामना करता हूं, जय मंगल हो। अरे 9 बरस की बिटिया हुई गई मर दो ध्यान बिसर नहीं जा, गोरी गोरी बहिया नरम कलैया जाके गोरी गोरी बहिया नरम कलैया जाके अब तो संधि संधि हो गई। अच्छा और का अबे कसर है, मान गया मेरा बेटा। अरे तुम्हारे लड़का का अच्छे अच्छे मान जाते हैं यार। वाह क्या बात है, देखो तो मेरी बात नहीं मानी और अपने चाचा की बात मान ली। वाह तुम नहीं जाना जे बातें। अच्छा मोड़ी देख के मान गाओ। अच्छा फोटो डाले थे जेब में, हाल दिखाई हमने दौड़ा के मुंह में हाल लड़ुआ से फूट गए बाजार बाजार। अच्छा हाँ ऐसो करो, शुभ काम में देरी नहीं। हाँ चलो ब्याह छटवा लियाओ चले कहूँ। अच्छा कहाँ चले हो? जहाँ आपकी इच्छा हो। ये सफदलपुर में कौन बढ़ाई है? अब इतना तो हमें पता नहीं है, शायद नहीं है। नहीं छाटत कोई ना, देखाओ ये पिछाओ धम्म गुरु धरे है। हाँ इन पे चटवा ले चले। हाँ यहाँ चलते हैं, चलो आओ चलो। बधाई महाराज, प्रणाम, मंगल हो मंगल हो। बताओ बालनकर जी कैसे आना हुआ? जैसो आए महाराज। हाँ हमारी बिटिया है एक। हाँ और इनको लड़का। हाँ देखो महाराज कवे की छट रही है। अच्छा मतलब वो शादी करना चाहते हो? शादी नहीं करिए ब्याह करिए हम। अच्छा अच्छा हाँ। तो तुम्हारी बेटी है और ये राम जी राव का पुत्र है? हाँ इनको लड़का है। अच्छा अच्छा हाँ तो चलो मैं देख लेता हूँ। देखो पत्रा में बिलैया चोखरा बरन न हो तेल दियो। अच्छा बेटी का नाम क्या है? रमा। बेटी का नाम रमा है। रमा है और का? और बेटे का नाम क्या है भैया? लड़का को नाम बताओ। भीमराव। भीमराव है नाम जी। अच्छा ठीक है रामजी राव बोलिए। शादी तो शुभ है और किसी प्रकार की व्यवधान नहीं है और ये तारीख 4 अप्रैल दिन शुभ पड़ता है। जिस 4 अप्रैल के दिन अगर शादी की जाएगी तो तुम्हारे बेटा की किसी प्रकार से और ना इनकी बेटी के साथ किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। इतने जल्दी फांस दो, बताओ पचाड़ लेन जाने नेवता बांटे? अबे तो कार्ड नहीं छपे है। मतलब आगे पीछे कोनू तारीख नहीं रह सकता? नहीं आगे पीछे तारीख नहीं है, 4 अप्रैल का दिन ये निश्चित होता है।
कारण कौन छपे पीरे चाउर दे सबे। ठीक है महाराज भैया। ठीक है महाराज प्रणाम। सुनो भैया ऐसो करो बोलिए अब आई तेते जाओ घरे और सुनो हाँ खेत लगुन दिए। अच्छा हाँ इतना टाइम नहीं है हम लगुन लेके आए दोबारे और फोर व्हीलर ना दियो है फोर व्हीलर नहीं मिले छह पहिया की। अच्छा हाँ तो और सुनो हाँ और ते भरारे भरायत लेके आ जाइयो। अच्छा अब हम नेवता बांटन जात। अच्छा हाँ ठीक है टाइम से आइयो। हाँ अगर कहूँ बुस गए छेना हाँ तो खराब है इधरों काम। अच्छा हाँ